पुनः संस्कृत दिवस पर इस विशिष्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। अब देखिए, संस्कृत की शुरुआत वैसे तो हमारे यहाँ सबसे अच्छी विधि संस्कृत भारती वालों की है, जहाँ पे वे लोग हिंदी या अन्य किसी भाषा का प्रयोग ही नहीं करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। अगर अवसर मिला तो मैं अपने मुंगेर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस चीज़ का जरूर आनंद आपको प्रदान करूंगा, आनंद आनंद में आप सभी व्यवहार में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान समय में, अब देखिए जैसे आज ये रक्षाबंधन है, या बाद में कभी भी आप किसी में से मिलते हैं या आपस में आप लोग सहपाठीगण मिलते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, अपने ही नहीं दूसरों से भी वो समझ जाएगा, प्रयास कीजिए, भवतः नाम किम, व्हाट इज योर नेम, किसके लिए है, पुलिंग के लिए। जैसे फिर वो क्या जवाब देगा, मम नाम विश्वजीता, मेरा नाम विश्व, मम नाम जो भी है सीता गीता मीता, इस तरीके से इसका जवाब होता है। अगर कोई स्त्रीलिंग है तो उसके लिए क्या बोलना है आपको, इंग्लिश में सेम ही है, व्हाट इज योर नेम, इंग्लिश में क्या, भवत्या नाम किम। देखिए संस्कृत में शब्दों को सुन करके हम लोगों को लिंग का ज्ञान हो जाता है। अब जैसे मान लिया मैं क्लास में हूँ, बाहर कोई गेट पे आया है, मैं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपने उससे पूछा भवतः नाम किम, तो भले ही मैं उसको देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे भवतः शब्द से बोध हो गया कि कोई मेल कैंडिडेट है। भवत्या नाम किम आपने पूछा तो मुझे ज्ञात हो गया कि कोई फीमेल कैंडिडेट है। इसी प्रकार से मान लिया आपने भवताम भावती नाम, अगर इस प्रकार से पूछा, बहुवचन में पूछा, तो मुझे पता लग जाएगा कि ढेर सारे लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें संस्कृत की अपनी विशेषताएं हैं। फिर आपने बताया मम नाम की माय नेम इज, एषः मम मित्रम, यह मेरा मित्र है, और उसका नाम बता सकते हैं, एषः मम मित्रम सुरेश, एषः मम मित्र संदीप, एषः मम मित्र रिंकू, एषः मम मित्र मृगांक, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे मैंने सुना है बहुत इसके बारे में, आप लोग व्यवहार में बोलते हैं तो क्या है, एतेषां विषये श्रुतवान, अरे इसके बारे में तो एतेषां यानी इसके विषये विषय में श्रुतवान सुना है। देखिए भाषा से कितना इसमें सम्मान होता था, हम एक इंडिविजुअल के लिए जिसके बोलते हैं एकाकी व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग करते थे। जैसे गुरुजन यहाँ भी देखिए एतेषां एषां एतेषां एतस्य भी बोल सकते थे इसके विषय, लेकिन नहीं, एतेषां विषये श्रुतवान, इसके विषय में मैंने सुना है या इनके विषय में मैंने सुना है जाना। एषा मम सखी, ये फीमेल के लिए है कि एषा मम सखी, यह मेरी सखी है सहेली है, दिस इज माई फ्रेंड, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर आगे क्या, भवान किम उद्योगम करोती, या अगर फीमेल से भवती किम उद्योगम करोती, आप क्या उद्योग करते हैं, क्या कार्य करते हैं, किम व्यवसायम करोती, या किम भी पूछेंगे तब भी उनको पता लग जाएगा, लेकिन किम क्या करती हो, तो इस तो ये व्यवहार का हो गया, क्या करते किम उद्योगम या किम करोती, दोनों चलेगा। एक ने क्या कहा, अहम अध्यापक अस्मि, मैं अध्यापक हूँ, अहम क्रीडक अस्मि, मैं खिलाड़ी हूँ, अहम व्यवसायी अस्मि, मैं व्यवसायी हूँ, अहम विद्यार्थी अस्मि, मैं विद्यार्थी हूँ, अहम सैनिक अस्मि, मैं सैनिक हूँ, इस प्रकार से प्रयोग है। उसने कहा अहम अध्यापिका अस्मि, उसी प्रकार ऑफिसर है तो अधिकारी अस्मि। आगे देखिए शब्द दिए हुए हैं, उट्टंकक अस्मि, मैं उट्टंकन टाइपिस्ट हूँ, तंत्रज्ञ या अभियंता अस्मि, इंजीनियर हूँ, प्राध्यापक अस्मि, प्रोफेसर हूँ, लिपिक अस्मि, क्लर्क हूँ, न्यायवादी लॉयर हूँ जिसे वकील कहते हैं, विक्रयक सेल्समैन हूँ, बेचने वाला हूँ, उपन्यासक यानी लेक्चरर हूँ मैं। इसी प्रकार कोई कह सकता है अहम, देखो ये तो आपने अपने बारे में बताया, कुतः कार्यम करोमि, ये भी पूछ सकते हैं, या उसी का वो जवाब दे सकता है कि अहम यंत्राकारे कार्यम करोमि, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, यंत्र जहाँ होता है वहाँ पे मैं फैक्ट्री में काम, इसी प्रकार कह सकता है हम कार्यालय कार्यम करोमि, महाविद्यालय कार्यम करोमि, वित्त कोषे बैंक में कार्य करता हूँ, चिकित्सालय कार्यम करोमि। अब स्त्रीलिंग शब्द है प्रौढ़शाला या हाई स्कूल में कार्य करता हूँ, यंत्रागारे कार्य करता हूँ,
इस प्रकार से व्यवहार में प्रयोग लाया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, भवान या भवती कस्याम कक्षायाम पठती, कक्षायाम कक्षायाम कक्षा के कारण हुआ, क्योंकि कक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, कक्षायाम लतायाम, इसीलिए कस्य नहीं हुआ कस्याम, क्योंकि का के का इस प्रकार से चला। तो क्या कह रहे हैं वो जवाब देगी, अहम नवम कक्षायाम पठामि, अहम अष्टम कक्षायाम, त्री कक्षायाम, चतुर्थ कक्षायाम, इस प्रकार से उत्तर देगा। फिर भवतः ग्रामः किं, भवतः नगरः, इतना भी पूछ लिया तब भी चल रहा है, भवतः नगरः, भवतः ग्रामः, भवतः मोहल्ला, भवतः गली, जो भी आप पूछ लीजिए उनका चलेगा, भवतः मकानः, भवतः गृहम, इस प्रकार से। तो उसने क्या कहा, वेयर आर यू फ्रॉम, तो बताएगा आई एम फ्रॉम या मम ग्रामः, जैसे मेरा गाँव ते आप अस्मि, मम जिला गया अस्ति, इस प्रकार से। फिर हाउ आर यू, कुशलम वा, किम सखे, भो सखे, भो मित्र, भो सखी, कुशलम वा, कुशल हो, ठीक ठाक हो, पूछते हो ना हाउ आर यू, कथम अस्ति भगवान, ऐसे भी पूछ सकते, दो है कुशलम वा, शॉर्टकट में हो गया, ठीक हो। फिर क्या कहते हो, आप कैसे हैं, दो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं ना, कथम अस्ति भगवान, या भगवान कथम अस्ति, अस्ति भगवान कथम, कुछ भी पूछ लो। फिर उसने कहा गृहे सर्वे कुशलिनः वा, घर में सब ठीक ठाक हैं, गृहे सर्वे कुशलिनः वा। उसके बाद क्या है, सर्वम कुशलम, उसने कहा है ऑल राइट, सर्वम कुशलम। फिर कह विशेष, का वार्ता, और कुछ कहते ना, और कुछ बताओ या कोई विशेष है, कह विशेष, कह वार्ता। तो उसने क्या कहा, भवता एव वक्तव्यम, क्या है, यू हैव टू से, तुम ही बताओ। तो उसने को अपनी विशेष, कुछ विशेष है क्या, उसने क्या कहना, भावता एव वक्तव्यम, आपको ही, यू हैव टू से, तुम्हें ही करना था, तुम्हें बता। फिर दोबारा पूछ रहे हो, कोपी विशेष, अरे कोई विशेष है क्या, भवती कुतः आगच्छति, सामान्य हम लोग प्रयोग में करते हैं, भवती या भवान कुतः आगच्छति, तुम कहाँ से आ रही हो, कहाँ से, अहम शालातः गृहतः आगच्छति। देखिए इसमें एक विशेष है, वैसे पंचमी विभक्ति भी होता है, विद्यालयात, गृहात, नगरा, लेकिन एक बड़ा अच्छा शब्द है तह, आपको जहाँ से आना है तह लगा दीजिए, दिल्ली तह, कोलकाता तह, पटना तह, जो भी है, तो वहाँ से आ रहा हूँ, आता हूँ। उसके बाद आगे क्या है, भवान भवती कुत्र गच्छति, कहाँ जा रही हो, भवान कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तो बता दो, विद्यालयम, नगरम, जो भी है, गच्छामि। भवती वा इति पश्यामः, लेट्स सी इफ इट कैन बी डन, क्या कहा जा रहा है, भवती वा, अच्छा तुम हो, ठीक है। फिर ज्ञातम वा, समझ गए, जो बोला कहते ना कि समझ गए, तो ज्ञातम वा, पता चला, कथम आसीत, कैसा था। इसी प्रकार अंगीकृतम किल, क्या स्वीकार कर लिए, जो मैंने कहा मान गए, अंगीकृतम किम, कति अपेक्षितानि, हाउ मैनी डू वन, कितने चाहिए, जैसे किसी ने आपसे पूछा कुछ मांगा तो क्या कहते हैं, कति अपेक्षितानि। फिर अद्य एव वा, आज ही चाहिए क्या। इसी प्रकार से फिर आगे देखिए, फिर और कुछ वाक्य है उसको भी देख लेते, इदानीम ईशा वा, इट इज गोइंग टू बी नाउ, इदानीम ईशा वा, ऐसा है क्या, इस समय ऐसा है क्या। फिर आगंतव्यम हो, प्लीज डू कम, बोलते हैं ना, प्लीज डू कम, जरूर आना, तो आगंतव्यम हो, जरूर आना। तदर्थम हुआ, इट इज़ फॉर डैट, तदर्थम हुआ, अच्छा ऐसा है क्या। तत् किमपि मास्तु, अरे नहीं नहीं, डोंट माइंड, ऐसा ऐसा, तत् किमपि नास्तु, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। फिर क्या, ना दृश्यते, दिखाई नहीं दे रहा है जिसको। फिर समाप्तम हुआ, इट्स ओवर, खत्म हो गया, कस्मिन समय, किस समय में, तथापि, इवन देन, उसके पश्चात, तथापि, आवश्यकम नासीत, अरे जरूरी नहीं था कुछ, इट्स नॉट नेसेसरी, है ना, इट वाज नॉट नेसेसरी। तिष्ठतु भो, बैठिए, क्या है, बी हियर फॉर सम मोर टाइम, तिष्ठतु भो, जब किसी से निवेदन करते हैं लट लकार में, बैठिए ना, तिष्ठतु भो, भो संबोधन के लिए। स्मृति के लिए, रिमेंबर, डोंट यू, याद है कुछ, स्मृति के लिए याद है कुछ, ये याद करते हो, तथा किमपि नास्ति, नो नो नो, इट्स नॉट सो, बोलते हो, नहीं अरे ऐसा नहीं था, कहता था किमपि नास्ति, कथम अस्ति भगवान, कैसे हैं, आई एम फाइन, जैसे बोलते हो, सम्यगस्मि, न विस्मरतु, भूलना नहीं, भूलिएगा नहीं।
फिर अन्यच्च बिसाइड्स उसके अतिरिक्त तदनंतरम देन उसके बाद तावदेव किल इट इज वनली सो मच तावदेव किल क्या वही एक है ना इट इज वनली सो मच महान संतोष वेरी हैप्पी अबाउट इट सुनकर के बड़ा अच्छा लगा क्या है महान संतोष कि तत तथा न इट्स नॉट सो जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है तस्य कह अर्थ उसका क्या मतलब है अहम हो यस डियर सर क्या है आम हो हाँ जैसे बोलते हैं ना आप लोग हाँ यस यस उसकी जगह बोला जाता है आम हो आम मीन्स हाँ एवम एव जस्ट ओ एवम एव ठीक है हाँ हंकार भरते हैं ना वही है तो उसके बाद आगे क्या देखिए अहम देवालयम कार्यालयम विपिणम गच्छामि में देवालय यानी मंदिर टेम्पल कार्यालय ऑफिस विपिणम यानी दुकान मार्केट में जा रहा हूँ किम चिरात दर्शनम व्हाट इज द मैटर यू आर नॉट सीन दिस डेज किम चिरात दर्शनम देखिए सामान्य शब्द क्या बात है बहुत दिनों से नहीं दिखाई दिए भवंतम कुत्रापि दृष्टवान आई रिमेम्बर टू हैव सी यू समवेयर भवंतम कुत्रापि दृष्टवान यार मैंने कहीं तुम्हें देखा है बोलते हो ना ये उसके लिए है भवान संभाषण संभाषण शिविरम आगतवान वा ओह शायद तुम संभाषण शिविर में आए थे तो हाँ तरही कुत्र दृष्टवान तभी आपको कहीं देखा है तरही तत्रैव दृष्टवान तो क्या कह रहा है वो कि इसी अच्छा तब तुम वही मुझे देखे होंगे तो क्या कहा देखिए पहले भवंतम कुत्रापि दृष्टवान किसी ने किसी को कहा मैंने तुम्हें कहीं देखा है तो उसने क्या कहा भवान संभाषण शिविरम आगतवान वा तुम संभाषण शिविर आए थे क्या तो उसने कहा तरही कुत्र दृष्टवान इन दैट केस वेयर हैव आई सी यू फिर वो कह रहा है तब कहाँ मैंने तुम्हें देखा है तरही तत्रैव दृष्टवान यानी तुम आए थे तो वहीं देखे होगे क्योंकि मैं वहाँ आया था और तो मैं कहीं नहीं गया हूँ तो इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं पुनः पुनः संस्कृत दिवस की शुभकामनाएँ शुभाशया एंड पुनर्मिलामः जय तो भारतम जय तो संस्कृत